ਦਾਗਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨਾ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इस घटना तो गुस्से विच आए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सख्त प्रतिक्रिया दिंदिया कहा कि साडे सैनिक कोई खेड नहीं कि साडियां सरहदां दी राखी करदे अफसरां ते जवानां नूं हर थोड़े दिनां बाद मार जां जख्मी कर दिता जावे। उन्होंने कहा कि यह उस वेले वापरिया जदों दोवें पासिआं तों फौजां कई दिनों के तनाव की स्थिति तो वक्ख होण दी प्रक्रिया विच सन। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुण वेला आ गया है कि भारत गुआंढी मुल्क वल्लों वार वार किए जा रहे हमलों का जवाब देवे जो साडे खेतरी अधिकारां दी कोर उलंघना है अते साडी खेतरी प्रभुसत्ता उत्ते हुंदे हमलों नूं रोके जावे। उन्होंने कहा कि भारत वाले पासे तो किसी भी किस्म की कमजोरी के संकेत नाल चीन की प्रक्रिया होर हिंसक हो जाती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हालांकि सरहद के तनाव घटाना सब तो वध जरूरी है अते भारत जंग के हक में नहीं पर फिर भी साडा देश इस मौके कमजोरी नहीं दिखा सकता अते चीन नूं किसी होर घुसपैठ तो रोकण अते अपने सीमावां ते आदमियों उत्ते हमले नूं ठल पाउण लई सख्त रुख अपनाउण दी लोड़ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय फौज के कमांडिंग अफसर अते दो सैनिकां दी बुरी तरह कुटमार तो बाद चीन बेकसूर होण दा बहाना बना रहा है अते भारत वल्लों एक तरफा कार्रवाई कारण अजिहे हालात पैदा होण दा दोष ला के सारा कसूर भारत सिर मड़न दा यतन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ीकॉम टीवी।